हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। और उम्मीद करता हूँ कि जो काम मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, पूरा होमवर्क आपने किया होगा, पूरी ईमानदारी के साथ आपने किया होगा, पूरा पेज टू पेज, लाइन टू लाइन आपने स्टडी की होगी, क्योंकि रिजल्ट जो है फिर उसी के हिसाब से आपको मिलने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा जनवरी का आप काम कर लें और उसके बाद आपको पता चले कि जनवरी की रिपोर्ट है वो आपकी सही नहीं आ रही है, तो आपको खुद को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि पूरा जनवरी का आपने काम किया, पूरी मेहनत आपने कर ली, उसके बावजूद भी आपकी जनवरी की रिपोर्ट सही नहीं आ रही। तो नहीं आ रही, उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं, आप खुद हैं, क्योंकि आपने काम को करने में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक जरूर करी है। हो सकता है कि आपने लेजर सही बनाए होंगे लेकिन ग्रुप का सिलेक्शन गलत कर लिया होगा। आप कहते हैं सर मैंने लेजर सही सही बनाया है, मैंने ग्रुप का सिलेक्शन भी सही किया है, तो हो सकता है कि आपने एंट्री गलत कर दी होगी, जहां डीआर करना था वहां उसको सीआर कर दिया होगा, जहां सीआर के बाद थी वहां डीआर कर दिया होगा। आप कहते हैं सर मेरा वो वाला काम भी सही है, तो भैया एंट्री के अंदर अमाउंट जो लिखा है वो अमाउंट आपने कहीं ना कहीं तो आपसे गलतियां हुई है। ठीक है, तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी कि इतनी मेहनत जब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, पूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे भले मेरा टाइम वेस्ट हो या आपका वेस्ट हो, रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो जनवरी का काम कहां तक आपने कर लिया है और क्या आपको अब आगे करना है, मैं उसको लेकर यहां पर कुछ बातें आपको और डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, पेज नंबर आपको आना है 130 पर, पेज नंबर आपको आना है 130 पर, ठीक है, और ट्रांजेक्शन नंबर आपको समझना है 79 तक, क्योंकि आपने कौन से महीने का काम किया है, जनवरी 2022 का। और जनवरी 2022 का जो आपका एंड है वो आपको एक बार यहां पर आना है, पेज नंबर 130 पर आ जाए या फिर ट्रांजेक्शन नंबर 79 पर आ जाए। तो इसका मतलब आप पेज नंबर 130 तक काम कर चुके होंगे, आप ट्रांजेक्शन नंबर 79 तक आप काम कर चुके होंगे, और आगे का जो काम आपको समझना है वो आज की इस क्लास को आप अटेम्प्ट करें, प्रॉपर तरीके से इस क्लास को आप देखें। और आज की हमारी पूरी क्लास है वो रहेगी तो थ्योरी बेस पे, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर रहेगी पूरी पूरी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, तो आप एक काम कीजिए, इस पूरी कैलकुलेशन को समझने के लिए, पूरी क्लास को समझने के लिए एक तो आप कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर जो है वो आप यूज करें, कुछ कैलकुलेशन मैं आपसे यहां पर करवाने वाला हूं, वो कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी, उसके बाद आपको आज की बात भी समझ में आएंगी और जनवरी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आपको समझ में आने वाली है। और ध्यान रखें, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो रिपोर्ट आपने देखी है उनसे कुछ अलग रिपोर्ट, कुछ एडवांस रिपोर्ट भी आपको देखनी होगी, क्योंकि इतना तो आप जानते हैं कि आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जब काम किया था ना, तब उसमें जीएसटी की कोई बात नहीं थी, उसमें जीएसटी की कोई प्रैक्टिकल हमने वहां पर नहीं किया था, लेकिन जनवरी में तो आपने जीएसटी को किया है ना, तो आपको वो सभी रिपोर्ट तो देखनी है जो आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में देखी थी, वो रिपोर्ट तो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपकी जो रिपीट हो रही है यहाँ पर जनवरी में। लेकिन जनवरी में आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखनी होगी जो किसको बताएगी, आपके जीएसटी को। तो जीएसटी की रिपोर्ट भी तो देखने वाले हैं अब हम। और देखिएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी जीएसटी की रिपोर्ट गलत आएगी, ये अब आपको पहले बता देता हूं मैं, है ना, इसकी घोषणा मैंने पहले कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि यदि आपने गलती करी है तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट तो गलत आने वाली है। ठीक है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि गलती करोगे तो रिजल्ट तो आपका गलत आने वाला है। फिर आप कहेंगे सर मैंने काम सही किया, भैया काम सही करोगे तो रिपोर्ट सही आएगी, ये आपको भी पता है। तो रिपोर्ट कुछ खास होगी, कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, थोड़ा सा जो है ध्यान दें, चीजों को समझें। तो अब इस क्लास में आपको क्या करना है वो मैं आपको यहां पर पहले बता देता हूं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं, किन चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात ये करेंगे कि जनवरी का जो हमने काम किया 2022 का, मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो माल खरीदते या सेवा लेते समय चुकाया गया जीएसटी वो कैसे ज्ञात करें। और यदि बात करूं मैं फर्स्ट बुक की, तो फर्स्ट बुक में हम माल खरीदने का काम तो कहीं कर नहीं रहे, तो इसको मैं हटा देता हूं इसको, लेकिन यही बातें आपको आगे भी तो काम आएगी, सेकंड बुक में काम आएगी, थर्ड बुक में काम आएगी, जहां आप जीएसटी का काम करेंगे वहां काम आएगी, तो उसी के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल मैं बात करूंगा यहां पर केवल एक पॉइंट की कि जनवरी जनवरी में, जनवरी जनवरी में जितनी बार आपने सेवाएं ली हैं उस समय आपने कितना जीएसटी दिया है, उसकी मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाने वाला हूं। और ये कैलकुलेशन यदि आपके माइंड में सेट हो जाती है, आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो जाता है, तो आप देखिएगा जीएसटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन आज की इस क्लास को समझना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो एक तो हम क्या करने वाले हैं कि सेवा लेते समय हमने जो जीएसटी चुकाया वो कितना है, तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर खुद कैलकुलेट करेंगे।
वैसे टेली तो हमें बताएगा, टेली तो हमें बता देगा, लेकिन बात आ रही फिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो मैं यहां पर इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं कि आज की मैं कैलकुलेशन आपसे क्यों करवाना चाहता हूं। देखिए, आप अकाउंट्स का काम किस में कर रहे हो, टेली में कर रहे हो, तो टेली आपको क्या करेगा, जीएसटी की रिपोर्ट बनाकर देगा। टेली आपको जीएसटी की रिपोर्ट बनाकर देगा। अब आप एक बात पर विचार करें कि टेली ने जो जीएसटी की रिपोर्ट आपको बनाकर दी है, वो रिपोर्ट किस आधार पर तैयार हुई, आपके द्वारा किए गए काम के आधार पर। आपने कैसे लेजर बनाए हैं, कैसे आपने ग्रुप यूज करे हैं, कैसे आपने एंट्री करी है, डीआर किया है कि सीआर किया है, कि अमाउंट कैसे लिखा है, ये सारी सारी बातें डिपेंड कर रही है आपके खुद के काम के ऊपर। तो जीएसटी ने, टेली ने क्या किया, टेली ने क्या किया, आपको जीएसटी की रिपोर्ट बनाकर दी। टेली ने आपको जीएसटी की रिपोर्ट बनाकर दी, आप उस रिपोर्ट के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। उस रिपोर्ट के अंदर मान लीजिए कोई अमाउंट लिखा हुआ है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 23,000 रुपये लिखा हुआ है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो उस रिपोर्ट में जो जीएसटी की रिपोर्ट है, तो जीएसटी की रिपोर्ट में कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 23,000। आप इस बात के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे कि ये जो 23,000 अमाउंट है, या 11,000 रुपये लिखा हुआ है, या 50,000 लिखा हुआ है, 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, ये सही है, इस बात की क्या गारंटी है। क्योंकि जैसा आपने काम किया वैसा रिजल्ट टेली ने दे दिया। तो इस रिपोर्ट पे विश्वास करने के लिए पहले आपको खुद को एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं अब टेली की बात नहीं करना, आपने मान लो टेली में काम किया या नहीं किया वो अलग चीज़ है, उसको आप साइड में करें। आपको क्या करना है, मैनुअल कैलकुलेशन करनी है। मैनुअल कैलकुलेशन का मतलब होता है कि आप खुद कैलकुलेशन करके देखें कि यहाँ इस रिपोर्ट में क्या आना चाहिए, जो आ रहा है वो सही है या गलत है, वो अपने आप को पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम जीएसटी की जो अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन खुद करने वाले हैं विदाउट टेली, और हमें देखना है कि टेली आपको क्या रिपोर्ट देने वाला है। फिर आप देखिएगा कि जो आपने डिसाइड किया और जो टेली के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है, क्या दोनों मैच हो रही है क्या। यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन भी परफेक्ट है और आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल 100% सही है। तो जीएसटी का अमाउंट हम कैलकुलेट करके खुद देखेंगे। मान लेते हैं कि जीएसटी का अमाउंट आपने कैलकुलेट किया और आपको पता चला कि जीएसटी जो है 12,300 रुपये आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12,300। अब जब जीएसटी की रिपोर्ट को आप देखने के लिए टेली की हेल्प लेते हैं, तो उस रिपोर्ट में ना तो कहीं 12,300 आ रहा है, मतलब या तो 23 आ रहा है, 11 आ रहा है, 50। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सारी सारी कैलकुलेशन हमारी गलत हो चुकी है, क्योंकि हमने ये पहले ही पता लगा लिया था कि जब हम जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें जीएसटी का जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 12,300। ये हमने पहले ही पता लगा लिया, कैसे वो आज की क्लास में आप सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप जब जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे और वहां भी आपको 12,300 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज की क्लास थोड़ा सा खास और इम्पोर्टेंट आपके रहेगी, ध्यान दें। सेकंड टॉपिक ये सीखेंगे कि माल बेचते समय या फिर सेवा देते समय हमने खुद ने कितना जीएसटी ले लिया। यानी कुल मिलाकर दो बातें हम सीखने वाले हैं आज की कैलकुलेशन में, कि हमने जो जीएसटी दिया, मतलब दिया गया जीएसटी, इसकी खुद हम कैलकुलेशन करके देखेंगे विदाउट टेली, और कस्टमर से जो लिया गया जीएसटी है उसकी भी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, वो भी खुद विदाउट टेली। और ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो दिया गया जीएसटी है वो क्या है, आपका इनपुट है, उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, लिया गया जो जीएसटी जो आपने कस्टमर से लिया, वो आपका आउटपुट जीएसटी होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा कितना तो इनपुट जीएसटी है और कितना हमारा आउटपुट जीएसटी है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं आज के इस कैलकुलेशन को शुरू। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि जनवरी माह में सेवा लेते समय, जनवरी के महीने में सेवा लेते समय, केवल बात कर रहे हैं किसकी, सेवा लेते समय कितना जीएसटी हमने चुका दिया वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो बताइए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये मालूम करें, मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, तरीके से बात को सुने और समझें और आप उसको फॉलो भी करें। सबसे पहले ये मालूम कर लें कि जनवरी जनवरी में कितनी बार और कौन कौन सी सेवाएं आपने ली हैं। ये काम यदि आपने कर लिया ना तो परफेक्ट है, फिर आप एक्सपर्ट हैं। और यदि आप एक काम कर सकें तो वो और भी अच्छा रहेगा। मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले आप ये मालूम कर लें कि जनवरी जनवरी महीने में आपने कितनी बार तो सेवाएं ली हैं और कौन कौन सी सेवाएं ली हैं, कितनी बार और कौन कौन सी सेवाएं ली हैं उनका नाम। तो यदि आप कर सके तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को आप एक बार यहीं रोक दीजिए, और रोकने के बाद आपको अपनी बुक निकालनी है, बुक उठानी है जो कि आपके सामने पड़ी भी होगी, उस बुक में जनवरी जनवरी को पूरा पढ़िए एक बार, और आप ये खुद मालूम करें, खुद सोचें, खुद बुक में देखें कि जनवरी जनवरी के महीने में आपने कितनी बार और कौन कौन सी सेवाएं ली हैं। ली गई सेवाओं के ऊपर आपको ध्यान रखना है।
तो वीडियो को आप यहीं रुक दें और फिर थोड़ी देर बाद में आप वापस इस वीडियो में यहीं पर आएं और आप देखें कि क्या आपने जो चीज़ें आपने अपनी बुक से निकाली हैं क्या वो वाकई में मैच्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी खुद की तैयारी कितनी हो रही है और आप खुद कितना काम सही कर पाते हैं। तो उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखें, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं ये वाले। अब यदि आपकी कैलकुलेशन मेरी बताई गई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई में आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, है ना, स्मार्ट हैं और चीजों को आप समझते हैं, आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं, ये आपको भी पता चल जाएगा। और इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, एक आत्मविश्वास जो है ना वो बनता है अपना कि हाँ वाकई में मैं काम तो कर रहा हूं। सर ने मेरे को एक होमवर्क दिया और मैंने उस होमवर्क को वाकई में प्रॉपर तरीके से किया है और जो रिपोर्ट सर ने बताई, जो आंसर शीट सर ने यहां पर स्क्रीन पर दे रखी है, मेरी भी वही आ रही है, लेकिन पूरी पूरी प्रॉपर नहीं आएगी आपकी, बाकी तो मैं करवा दूंगा सेट। लेकिन मैंने कहा कि भैया पहले ये तो मालूम करो कि जनवरी जनवरी में कितनी बार और कौन कौन सी सेवाएं आपने ले ली, उनका तो नॉलेज रखो आप, उनके लिए तो तैयारी करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। तो कुल मिलाकर अब हमें क्या पता चलेगा वो ध्यान से सुनना। जनवरी में हमारी जो ली गई सेवाएं हैं, जनवरी महीने में हमारी जो ली गई सेवाएं हैं वो कौन कौन सी, पहले मैं सेवाओं की बात करता हूँ फिर आगे बात करेंगे। तो जनवरी में हमने रेंट वाली सेवा ली है, मतलब किराए वाली, कि आपको बिल्डिंग की आवश्यकता थी, बिल्डिंग आपने किराए पर ले रखी है, उसका आपने किराया चुकाया होगा, मतलब जगह का आपने उपयोग किया है, सेवा तो प्रॉपर जगह के लिए, उस स्पेस के लिए जिसके बदले आपने किराया चुकाया है। इसी प्रकार जनवरी महीने में आपने एडवर्टाइजमेंट की भी सर्विस ली, आपको पता हो तो, आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी की सर्विस ले रखी है, खरीद रखी है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस आपने ले रखी है, टेलीफोन की। तो कुल मिलाकर जनवरी जनवरी में जहां भी सेवा लेने की बात हुई तो वहां हमने कितने प्रकार की सेवाएं ले रखी हैं, 5 प्रकार की, ठीक है। ये तो बात हो गई ली गई सेवाओं की, साथ साथ में अब आपको ये मालूम करना है कि जो सेवा आपने ली थी उसका मूल्य कितना था, उस मूल्य के ऊपर भी आपको बात करनी पड़ेगी। तो आपको पता चलेगा कि जो किराया है वो हमने 7,000 रुपये चुका है विदाउट जीएसटी, यानी 7,000 के ऊपर हमने जीएसटी दिया है, 7,000 दे ही रहे उसके अलग से हम जो है जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जीएसटी 7,000 में इंक्लूड नहीं था, ये अब आपको समझना है, 7,000 में जीएसटी इंक्लूड नहीं था, 7,000 के ऊपर हमने 18% जीएसटी दिया था। तो सेवा का जो मूल्य वो कितना है, 7,000 रुपये। एडवर्टाइजमेंट के केस में आपने 9,000 की सर्विस ली थी, स्टेशनरी आपने 3,600 रुपये की खरीदी थी, इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है वो 2,700 रुपये था और टेलीफोन का जो एक्सपेंसिस आपने पे किया, खर्चा आपने पे किया वो आपका 1,600 रुपये था। तो ली गई सेवाओं की जानकारी हमने ले ली, इस दौरान जो सेवाएं हमने ली उनका मूल्य कितना है वो हमने पता लगा लिया। तो जनवरी जनवरी में आपके द्वारा जो सेवाएं ली गई हैं जीएसटी के केस में वो आपकी है 23,900 रुपए की, ठीक है। यह है ली गई सेवाओं का मूल्य। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि जो सेवाएं आपने ली हैं, जितने मूल्य की आपने सेवाएं ली हैं उसके ऊपर आपने जीएसटी कितना पे किया है। तो जीएसटी को मैंने आधा आधा कर दिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो आपके पास भी आधा ही है। तो 630 630, यानी आपने इतना जीएसटी किस पे दिया है, रेंट के ऊपर 1260 रुपये तकरीबन, ठीक है ये वाला। फिर एडवर्टाइजमेंट के केस में आपने 810 810 प्लस ये आपने टैक्स दिया, टोटल आप कर लेंगे 1600, कितना हो गया आपका 20 रुपये हो गया। फिर आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी जब खरीदी थी, ठीक है, वहां पे आपने जो है ना जीएसटी पे किया था 324 और 324, यानी आपका कितना हो गया 648 रुपये आपका हो गया, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी केस में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस हमने ली है 2,700 रुपए की, बट उस एग्जाम्पल में, उस ट्रांजेक्शन में आपने पढ़ा हो तो वहां पर एक वर्ड आया था एग्जेम्प्ट, क्या आया था एग्जेम्प्ट, मैं यहां लिख देता हूं, ये लिखा हुआ आपका एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट है, दैट मीन्स हमने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ली है और हमने 2,700 रुपए का पेमेंट भी किया है बट विदाउट जीएसटी, क्योंकि ये आपका एग्जेम्प्ट का केस है और एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कर मुक्त, हिंदी में लिख लीजिएगा एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त। इसी का एक दूसरा नाम आप इंग्लिश में और यूज कर सकते हैं टैक्स फ्री, तो ये आपका टैक्स फ्री हो गया। उसके बाद टेलीफोन के केस में आपने जो जीएसटी दिया वो 144 और 144, यानी 228 रुपये आपका ये हो गया। तो कुल मिलाकर आपने जो सीजीएसटी दिया है, मैं फिर कह रहा हूँ जनवरी महीने में आपने जो सीजीएसटी दिया है वो आपका है टोटल 1908 रुपये और आपने जो एसजीएसटी दिया वो भी आपका है 1908 रुपये, ठीक है। यहां तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने जनवरी जनवरी में 908 और 9 सॉरी 1908 और 1908
CGST और SGST। तो कुल मिलाकर बात यदि ये करें कि जनवरी जनवरी में हमने सर्विसेज जो ली उन पर GST कितना दिया, तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लें। जनवरी जनवरी में आपने 3,816 रुपये GST दिया है। जनवरी महीने में आपने जो पूरा जनवरी का काम आपने किया है, तो आपने GST कितना दिया, 3,816 रुपये। तो ये जो पूरी पूरी कैलकुलेशन है ये आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी और दे देता हूं। इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला कि हमने जो जनवरी मंथ का काम किया है, जनवरी महीने का काम किया, 2022 का काम किया है, इस जनवरी जनवरी में हमारे द्वारा जो इनपुट GST दिया हुआ है, इनपुट GST जो हमने दिया वो कितना दिया, 3,816 रुपये। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमने विदाउट टेली करी है, अपने खुद के दम पर करी हमने ये कैलकुलेशन, आपने करी ये कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि ये कैलकुलेशन तो हमारी तरफ से हो गई, टेली में कहाँ देखें? तो टेली में आपको एक रिपोर्ट देखनी पड़ेगी जिसके बारे में आगे भी बात करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली पर आना है। थोड़ा सा समझें इस चीज़ को, आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली पर आना है, राइट। वहां से आपको चढ़ना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, तो मैं केवल डिस्प्ले लिख लेता हूँ, मोर रिपोर्ट आप समझ ही गए होंगे। वहां से आप चलेंगे GST रिपोर्ट में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको आना है GST रिपोर्ट्स पर। GST रिपोर्ट्स पर आने के बाद आपको वहां पर GSTR 2 दिखाई देगा। GSTR 1 भी होगा, GSTR 2 भी होगा, GSTR 3 भी होगा, लेकिन बाकी बातें बाद में, पहले आपको बात करनी है GSTR 2 की, क्योंकि GSTR 2 जो है वो आपको बताता है कि आपके द्वारा जो ली गई सेवाएं हैं तो उन ली गई सेवाओं का मूल्य कितना है, ली गई सेवा का मूल्य कितना है वो आपको GSTR 2 बता देगा। वहां पर आप देखेंगे तो आपको वो अमाउंट दिख जाएगा जो अभी हमने कैलकुलेशन में किया था, प्लस हमारे द्वारा जो इनपुट GST है वो कितना दिया जा चुका है। कहने का मतलब हुआ दिया गया GST, तो दिया गया GST वो कितना है, 3,816 रुपये, वो भी आपको वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको GSTR 2 देखना पड़ेगा। अब मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि आपने खुद ने पहले कैलकुलेशन करी और आपने क्या पता लगाया, जनवरी में जो GST हमने दिया है वो 3,816 रुपये है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप डिस्प्ले मोर गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, GST रिपोर्ट में जाएंगे, GSTR 2 देखेंगे, तो भैया GSTR 2 में आपको यहाँ पर कितना अमाउंट दिखाई दे, 3,816 रुपये, और तकरीबन जो आपने सेवा ली हो 23,900 रुपये की समथिंग कुछ जो आई थी अभी वो, तो ये अमाउंट आपका वहाँ पर आपको यदि दिख जाता है तो बजाइए तालियां, हो जाइए खुश। कुल मिलाकर आपको तो अच्छा लगेगा ना कि भाई आपने मेहनत प्रॉपर तरीके से वाकई में सही की है, लेकिन ये रिपोर्ट उसी की सही आने वाली है जो मेरी हर एक बात को गौर करके समझता है और उसको फॉलो भी करता है, ठीक है, तब जाके आपका काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो ये पूरी पूरी मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है 3,816 रुपये की, कौन से टैक्स के लिए, जो GST आपने सेवा लेते समय दिया है, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और ये बात करते हैं कि जनवरी जनवरी में हमने जो सेवाएं दी हैं, जनवरी महीने में हमारे द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं उस समय हमने कितना GST लिया है। तो जनवरी महीने में हम सेवा दे कौन सी रहे हैं, जनवरी महीने में हम सेवा दे कौन सी रहे हैं, तो हमने क्या किया, बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, उनको हमने एजुकेशन दी है। तो आपको केवल इतना सा मालूम करना है कि जनवरी जनवरी में पूरे जनवरी के अंदर हमने सेवा देते समय अपने कस्टमर से कितना GST हमने ले लिया है। तो अब आपको यहाँ एक काम करना है और फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आगे की बात को सुने, समझें और देखें। उससे पहले एक काम आप खुद कर लें, कौन सा काम, ये यहाँ मैंने बता दिया है कि जनवरी महीने में कितनी बार आपने सेवाएं दी हैं और कौन कौन सी सेवाएं दी हैं। तो कौन कौन सी सेवाएं दी, इनका तो एक ही आंसर है, क्योंकि हमारा पूरा काम जो है ना वो अकेडमी का है, बच्चों को पढ़ाने का है, एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं। तो कौन कौन सी सेवाएं दी, वो तो एक ही है, कौन सी, एजुकेशन की सेवा, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि एजुकेशन की सेवा आपने जनवरी में कितनी बार दी है, और कितनी बार का मतलब यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपका टॉपिक और आसान हो जाए। आपको एडमिशन पे ध्यान देना है, ये मालूम करना है कि जनवरी जनवरी में आपने कितने एडमिशन लिए हैं, जनवरी महीने में आपने कितने एडमिशन लिए हैं, उतना आपका हो गया काम, और कौन सी सेवा है, वो आपका एजुकेशन वाला है। तो इसके लिए आप एक काम करें कि आगे की बात सुने और देखें, उससे पहले इस वीडियो को आप एक बार यहीं रोक दें और आप खुद मालूम करें जनवरी का पूरा जो बुक है वो आपको देखना है, जनवरी जनवरी का, और आप पता लगा लें, सिंपल सी बात है, जनवरी में कितने एडमिशंस आपने लिए हैं, कितने एडमिशंस आपने लिए हैं, चाहे वो RSCIT के हों, चाहे वो टेली के हों या किसी और कोर्स के हों,
जनवरी में जो लिए हुए एडमिशन्स हैं, एडमिशन वाली एंट्री, वो आपको चेक करनी है। तो उसके बाद आपका एक टॉपिक भी बहुत आसान हो जाएगा। तो फिलहाल यदि आपने ये काम प्रॉपर तरीके से किया है तो ये कुछ आंसर्स आपके सामने हैं। दी गई सेवा का नाम, तो दी गई सेवा का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम एक ही तो सेवा दे रहे हैं, कौन सी, बच्चों को पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन वाली यहाँ पर सेवा हम दे रहे हैं। कौन सी सेवा दी है फिलहाल आप देखेंगे, तो हमने टेली वाले एडमिशन्स वो लिए हैं, तो पूरे जनवरी में तीन ही तो एडमिशन हुए हैं, पूरे जनवरी के अंदर तीन ही तो एडमिशन हुए हैं। कौन कौन से, एक तो आपके प्रीतम कुमार का, एक आपका मनोज कुमार का और एक महेंद्र सिंह का, और तीनों ने जो है वो कौन सा कोर्स को ज्वाइन किया, टेली प्रोफेशनल को। तो वो वाली पूरी पूरी कैलकुलेशन आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आगे लिखा है सेवा का मूल्य, इनको आपने जो सेवाएं दी थी उनका मूल्य कितना था। तो फीस तो टोटल आपने वहाँ पर कितनी बताई थी, 11,000 रुपये, लेकिन आपको ये भी पता है, अब अच्छे से आपको जानकारी मिल गई है कि 11,000 रुपये जो फीस थी वो GST को शामिल करके थी। तो विदाउट GST आपने जो सेवा दी है वो कितनी है, 9,322 रुपये प्रत्येक स्टूडेंट का आपने यही सेवा दी है। तो दी गई सेवाओं का मूल्य कितना है, ये वाला 27,966.09 रुपये दी गई सेवा का मूल्य। जब हमने सेवाएं दी तो हमने GST कितना कलेक्ट किया था वो भी बातें हमने कर ली है। तो आपने GST यहाँ पर लिया 2,516 रुपये, ठीक है, 94 पैसा, और आपका यही आपका HGST आ गया, और इतना आपका राउंड ऑफ का हो गया, तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 33,000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि जनवरी जनवरी में हमने तीन एडमिशन्स लिए हैं, और उन बच्चों से हमने जो GST कलेक्ट किया है या करेंगे, जो कितना है टोटल आपका 5,033.88 रुपये, 5,033.88 रुपये। तो ये कौन सा GST हो गया आपका, लिया हुआ GST। और यहाँ भी मैं कुछ बातें आपको और क्लियर कर देता हूँ कि आप भी अभी 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 आपने ये मालूम किया कि आपका जो लिया गया GST है ग्राहक से वो कितना है आपका 5,033.88 रुपये, राइट, 5,033.88 रुपये, ये इतना GST आपने ले लिया। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए हमने टेली की कोई हेल्प नहीं ली है, ये हमने अपनी तरफ से करी है, खुद की मेहनत से हमने कैलकुलेशन करी है। तो बात करते हैं कि क्या टेली के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी वो सही होगी, इसका पता कैसे लगाएं, इसका कन्फर्मेशन कैसे लें। तो अब आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली मैंने GOT शॉर्ट में लिख दिया है, उसके बाद आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, तो इसमें मैं केवल डिस्प्ले लिख लेता हूँ दोबारा, फिर आपको आना है GST रिपोर्ट्स में, और GST रिपोर्ट्स पर आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है GSTR 1, इस बार GSTR 1 पे आना है आपको, क्योंकि GSTR जो 1 है वो बताता है कि आपकी सेल कितनी है, आपकी सेल कितनी है, और सेल का मतलब माल बेचना ही नहीं होता, आपने माल बेचा वो भी आपकी सेल है, इसके अलावा जो आपने सेवा दी है वो भी तो एक तरीके से आपकी सेल ही तो है। तो माल बेचा या सेवा दी वो हमारी क्या हो गई, सेल। तो हमारी सेल कितनी है वो बताएगा आपको GSTR 1, और इस सेल के ऊपर आपने कस्टमर से कितना टैक्स ले लिया, मतलब आपने आउटपुट जो GST वो कितना कलेक्ट कर लिया। बात सीधी सी है, लिया गया GST कितना है ये कौन बताएगा, GSTR 1 बताएगा। और जब आप GSTR 1 में जाएंगे तो वहां आपको क्लियर ये चीज पता चल जानी चाहिए कि आपने कस्टमर से जो GST लिया है, ठीक है, जनवरी में वो कितना है 5,033.88 रुपये, और वहां यदि आपको 5,033.88 रुपये दिख जाए किसमें, GSTR 1 में, टेली में, तो समझ जाइएगा कि आपका काम प्रॉपर तरीके से आपने सही कर रखा है। तो ये कैलकुलेशन तो भैया आपको वहाँ पर तभी सही दिखेगी जब आपका पूरा पूरा काम जनवरी का सही होगा। और कुल मिलाकर जनवरी की दी मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एडमिशन्स पे आपको ध्यान देना है, तो नंबर ऑफ आपके जो एडमिशन्स वो कितने हैं, 3 हैं। अब आप ये कहते हैं कि सर ये बात तो सही है कि 5,033.88 रुपये आना चाहिए, ये तो हमने पता लगा लिया, लेकिन जब मैं GSTR 1 को देखता हूँ या GSTR 1 को मैं देख रहा हूँ तो वहाँ मेरा अमाउंट 5,033.88 रुपये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो इसको मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपके द्वारा जो एडमिशन की 3 एंट्री करी हुई है वो एंट्री तो हो गई होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपने उस एंट्री को नहीं किया है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो मिस हो रही हैं। तो आपको वो 3 एंट्रीज वापस चेक करनी है, और जब GSTR 1 में आप आएंगे तो वहाँ आपको एंट्रीज भी 3 दिखेंगी, ठीक है, जहाँ पर ये 5,033.88 रुपये लिखा हो ना, उसके लेफ्ट साइड में आप देखिए वहाँ पर आपको जो इनवॉइस है, बिलिंग है, वो भी आपको 3 ही दिखाई देगी। तो 3 आ रही है तो आपका अमाउंट सही आ गया। अब हो सकता है कि आपकी एंट्री 2 आ रही होगी, हो सकता है 1 आ रही होगी, और हो सकता है 0 आ ही नहीं रही होगी। तो 2 क्यों आ रही है, 1 क्यों आ रही है, ये आपको पता लगाना है, और क्यों नहीं आ रही बाकी की ये भी आप ही को पता लगाना। तो पता लगाने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या कि आप अपने किए हुए काम को वापस क्या कर लें, चेक कर लें। तो हमने क्या बात करी, एक आपको देखना है टेली के अंदर GSTR 1, जो आपको ये बताएगा कि आपका लिया गया GST कितना है, लिया गया GST कितना है, जो कि 5,033
₹33.88 ये बता देगा। उसके बाद आप GSTR 2 चेक करेंगे जो आपको बताता है कि आपने खुद ने GST दिया कितना, यानी आपका जो दिया गया GST वो बताएगा। तो दिया गया GST कितना आया था अपना 1600 समथिंग कुछ रुपए, वो आप देख लीजिएगा एक बार जो भी आपने दिया था यहाँ पर। और एक काम और करते हैं कि GSTR 1 और GSTR 2 तो हमने देख लिया कि दिया गया GST और लिया गया GST कितना है, 1908 रुपये समथिंग जो भी आपका है ना यहाँ पर आप देख लीजिएगा आई थिंक। तो एक आपको एक काम करना है, GSTR 3B भी आपको चेक करना है। कारण ये कि GSTR 1 अपनी बात बताता है, GSTR 2 अपनी बात बताता है, इन दोनों की बातों को एक साथ कैसे देखें। GSTR 1 और GSTR 2 को हम एज ए समरी देखना चाहते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं जहां पर लिया गया GST और दिया गया GST दोनों आपको एक साथ मिल जाए। तो आप किसको चेक कर लीजिएगा, GSTR 3B को चेक कर लीजिएगा। बाकी तो बातें मैं आपको जब प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊंगा वहां मैं आपको समझा ही दूंगा, बस थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बेसिक तौर पर बताई हैं कि कहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहां पर इस टॉपिक की। फिलहाल ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर, बस मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ पहले से मैंने तैयार कर रखी थी, बट मैंने आपको बता पहले दी, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा कि 11,000 पे कुल राशि जो है वो GST सहित है। ये बात वैसे हमारी हो चुकी है, केवल हम रिपीट कर रहे हैं। तो 11,000 पे जो हमने बच्चों को बताया फीस का बताया, वो GST को शामिल करके बताया। तो 11,000 रुपये में GST कितनी राशि शामिल है तथा प्रदान की गई सेवा का मूल्य, जो सेवा आप स्टूडेंट को दे रहे हैं उसका मूल्य कितना, इसको ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो दी गई सेवाओं का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले टोटल अमाउंट आपको लिखना है जिसमें आपका GST शामिल है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता है, 100 प्लस रेट, तो इसका मतलब 118 हो गया। तो ये कैलकुलेशन आपकी 9,322.03 रुपये आ जाएगी। और जो सेवा आपने दी है टोटल 11,000 रुपये आप ले रहे हैं GST को शामिल करके, तो यदि GST का मूल्य हमें निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट आपको लिखना है, रेट से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपको 100 प्लस रेट। तो इस प्रकार आपका जो अमाउंट है वो आपका कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, कितना 800। फिलहाल ये जो अमाउंट आपको दे रखा है वो 9% के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, या तो इसको डबल कर लें या 18 को 9 कर लें। तो 18 को 9 करेंगे तो आपका ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, और 18 से करेंगे तो फिर डबल होकर आपका अमाउंट आएगा। तो इस प्रकार ये सारी की सारी बातें हमने कर ली, कैलकुलेशन हम कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे और वहाँ बात करेंगे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ हम वहाँ पर कैसे देखें टेली के अंदर। बाकी अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि सारी सारी तैयारी तो मैंने आपको पहले ही करवा दी है।